आज का हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और आज शाम 7:30 बजे शंखनाद शुरू होगा। पहले मुकाबले में गुरु और चेला आमने सामने हैं। पिछले सीजन की भड़ास चेन्नई वाले गुजरात पर आज निकालने वाले हैं और इमरजेंसी मीटिंग में सीएसके फ्रेंचाइजी ने अपनी विस्फोटक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जो गुजरात के खिलाफ अपना जौहर दिखाएगी। तो वहीं गुजरात टाइटंस ने भी अपनी प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव करके ऐलान कर दिया है। लेकिन हम इस पूरी वीडियो में आज होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए चेन्नई की प्लेइंग 11 को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने इस सीजन में अच्छा कमबैक किया है और धाकड़ प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। दोस्तों, इस सीजन में चेन्नई में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों गुजरात काफी स्ट्रांग टीम है और एमएस धोनी आज के मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मुकेश चौधरी और महेश तीक्षणा इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। ब्रदर, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आईपीएल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत दोस्तों ओपनिंग जोड़ी से करते हैं। तो चेन्नई वाले वही पुरानी ओपनिंग जोड़ी के साथ यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ और डॉन कॉर्मिक के साथ ओपनिंग करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में काबिले तारीफ प्रदर्शन किया था और ऐसी उम्मीदें इस सीजन के आज के मुकाबले में भी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 2 सीजनों में शानदार प्रदर्शन किया है और आज के मैच में भी ऐसी उम्मीदें देखने को मिलने वाली है। तो वही डॉन कॉर्मिक भी पीछे नहीं और आज के मुकाबले के लिए बिल्कुल फिट है। देखना दिलचस्प होगा इन दोनों खिलाड़ियों में से कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। दोस्तों, अगर बात की जाए तीसरे नंबर की तो मोइन अली अपनी जिम्मेदारी लेंगे। जिनका बल्ला पिछले सीजन में तो खामोश था लेकिन मोइन अली आज के मुकाबले में कुछ नया करना चाहेंगे। जबकि चौथे नंबर पर अंबाती रायडू अपना जलवा बिखेरेंगे। रायडू का पिछला सीजन बेहद खराब रहा था और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे रायडू का ये आखिरी आईपीएल, तो रायडू आज के मुकाबले से ही अच्छी लय में नजर आने वाले हैं। और अब बात करते हैं नंबर 5 की तो बेन स्टोक इस सीजन में चेन्नई का हिस्सा है जो नंबर 5 की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिनके T20 रिकॉर्ड काफी शानदार जो साल 2017 में धोनी एंड कंपनी के साथ राइजिंग पुणे सुपर जायंट में खेल चुके हैं। दोस्तों, बेन स्टोक्स के शामिल होने से चेन्नई ने डीजे ब्रावो की कमी को पूरा किया है। अगर बात की जाए छठे नंबर की तो बताने की जरूरत नहीं है, सर रवि जडेजा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। जिनकी बॉलिंग काफी खतरनाक है, इससे भी खतरनाक लेकिन इनकी बैटिंग भी है जो डेथ ओवरों में गेंदबाजों की फिल्म बना देती है जैसा कि हर्षल पटेल के साथ हुआ था। जबकि मेरे भाई 7वें नंबर की जिम्मेदारी एमएस धोनी निभाएंगे जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिखाई देंगे। और इस सीजन में चेन्नई वालों को बिल्कुल भरोसा है कि धोनी इस सीजन में 5वीं बार चेन्नई को चैंपियन जरूर बनाएंगे। दोस्तों, ये तो थी चेन्नई की आज की बैटिंग लाइनअप्स। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं बॉलिंग लाइनअप्स की ओर। अगर बात की जाए तेज गेंदबाजों की तो दीपक चाहर इस सीजन के लिए बिल्कुल फिट है और आज के मुकाबले में दीपक चाहर ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की कोशिश करेंगे जो पावर प्ले में शानदार बॉलिंग करते हैं और दीपक चाहर चाहेंगे कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट को निकाला जा सके। जिनका साथ मुकेश चौधरी के स्थान पर राजवर्धन हेंगरेकर और सिमरजीत सिंह भी अपना जौहर दिखाएंगे। दोस्तों, अब बारी स्पिन बॉलिंग की तो इस सीजन में महेश तीक्षणा खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे लेकिन इनके स्थान पर मिचेल सेंटनर स्पिन बॉलिंग से तबाही मचाएंगे और जो कमी रह जाएगी उसे सर रविंद्र जडेजा पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा पार्ट टाइम स्पिनर मोइन अली भी अपनी बॉलिंग से तबाही मचाएंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के लिए ही संभावित प्लेइंग 11 गुजरात के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप इस प्लेइंग 11 के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं।